अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को रिश्ता जो है बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, तो इससे पहले एक छोटी सी जो बात जो कि हम आपसे लाजमी करना चाहते हैं। बहुत दिनों से हमें जो कुछ शिकायत मौसूल हो रही हैं कि बड़ा मेहरबानी वो हमारे दोस्त जो हमसे फैमिली का नंबर ले लेते हैं, बाद में जो है वो उन्हें तंग करते हैं, या जो है शादी उन्होंने नहीं करनी होती, सिर्फ जो है अपना टाइम पास करते हैं। तो बड़ा मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी होगी, आप ऐसा ना किया करें। अगर आपने शादी करनी हो, शादी के मामले में सीरियस हो, तो ही आप हमसे रब्ता किया करें, वरना आप हमारा भी टाइम वेस्ट ना किया करें, ना अपना टाइम वेस्ट किया करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, अभी जो रिश्ता मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये जो खातून है हमारी बहन, इनकी उम्र जो है इस वक्त वो 43 ईयर्स है, यानी कि 43 बरस है, और एक मुसलमान घराने से इनका ताल्लुक़ है, फिरका सुन्नी है। इनका नाम है अफशा बीबी। अफशा जो है 43 बरस उम्र है, एक तलाक याफ्ता खातून है, खूबसूरत है। हाइट जो है इनकी 5 फुट 3 इंच है। इनकी तालीम जो है वो मैट्रिक है, यानी कि 10 जमात पास है। तो इनकी जो कास्ट है, ये मलिक आवान बरादरी से इनका ताल्लुक है। इस वक्त जो है ये जिला ओकाड़ा के, जो कि सूबा पंजाब का सिटी है ओकाड़ा, वहाँ पर रहती हैं अपने जो है भाई के घर पे। दो बेटे हैं इनके, दोनों बेटे इनके जो हैं पहले शोहर के पास रहते हैं, यानी कि अपने बाप के पास रहते हैं। तो अफशा जो हैं खूबसूरत हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे घराने से इनका ताल्लुक है। तो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो ऐसी ही किसी फैमिली में शादी करना चाहते हों, तो बराए मेहरबानी एक बात सुन लें कि ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक है। तो जो है इसीलिए जो है कोई मतलब जहेज वगैरह बिल्कुल नहीं दे सकेंगे। तो वही दोस्त हमारे मर्द हजरात रब्ता करें इस फैमिली से जो है शादी करने के लिए, जो जो कि इस बात को मद्देनजर रखते हों कि बहुत ही गरीब फैमिली है, जहेज वगैरह या कुछ भी जो है नहीं दे सकेंगे। तो वो दोस्त जो चाहते हैं उनसे शादी करना, वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।